सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर फ्रेंड ऋषभ, यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द आरएस मोटर व्लॉगर। तो आज हमारे सामने है टीवीएस की, अरे सॉरी सुजुकी की वी स्टॉर्म एसएक्स। तो भाई लोग मतलब जो एडवेंचर बाइक है तो मतलब सारी कंपनी अब धीरे धीरे ध्यान दे रही है इसमें, तो सारी एडवेंचर बाइक धीरे धीरे लॉन्च हो रही है। जैसे होंडा की 250 आई तो भाई सुजुकी की 250 वी स्टॉर्म आ चुकी है, जो कि इसके एल्डर सिबलिंग से सीधा मतलब मैक्सिमम जो 650 आती है तो लगभग वैसे दिखती है। और आज छोटा सा एक इसका राइड रिव्यू करेंगे, मतलब पावर वगैरह तो आरएस जितनी है मैक्सिमम मतलब 26 है, आरएस 25 है। और चलते हैं फिलहाल हम लोग डीएलडब्ल्यू पे आए हैं एंड तो एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं पहले आप लोग को, एक सेकंड उतर के। यस, तो 250 के सीसी के हिसाब से आवाज़ तो अच्छी है और इससे टूरिंग करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और फिलहाल ये आगे DLW रास्ता जाता प्रॉपर पूरा, जैसे USB का स्लॉट इधर दिया हुआ है तो फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए, जो कि हाईवे पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर, बाकी मतलब जो स्पीडोमीटर है इससे आप लोग बहुत ज़्यादा जान पहचान परिचित होंगे, बिकॉज ये सीधा जिक्सर से उठ के आ जाता है। और वैसा कुछ सीन फिलहाल चलते हैं। अभी सीट हाइट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, मतलब एक ऐसी बाइक जो कि हमें प्रॉपर सीट हाइट हमें लग रही है। देट हाँ भाई, ऊंचाई तो है इसकी। ओ भाई साहब, हैंडल विथ केयर, लग रहा है कि हाँ बड़ी बाइक चला रहे। जो ये आगे वाइजर है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। यो, तो रोड प्रेजेंस आप लोग देख सकते हैं, दैट कैसा मैसिव रोड प्रेजेंस है इसका। मतलब पूरी जैसे 650 सीसी है ना इसकी बड़ी बहन, तो सेम उसकी तरह बिलोंग करती है ये। और यस, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी इसको बना देती है, दैट जो इसका राइडिंग पोस्चर है पूरा जैसे प्रॉपर टूरिंग बाइक होनी चाहिए वैसा है। और यस, स्विच की क्वालिटी और गियर सारे, और यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देखने मिले, जैसे सेट है, मोड है, तो इसमें ब्लूटूथ इनेबल्ड है, नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें, तो जो कि एक हाईवे टूरिंग बाइक में होना ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है, मतलब रहता है तो अच्छा लगता है। मनूवर करने में भी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लग नहीं रहा दैट 250 सीसी बाइक चला रहे, इतनी मैसिव बाइक, बड़ी बाइक, मनूवर करने में बहुत ज़्यादा इजी है भाई। और ये बनारस, ये बनारस का ट्रैफिक, और ट्रैफिक के ऊपर ये रेड लाइट, भाई पैर देख रहे हो, पैर पूरा इससे रखना है तो हल्का हल्का लीन करना पड़ेगा। इंजन किल, वेट करते थोड़ा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमारी 12 लीटर की है। और यस, बहुत सारी फीचर है, जो 26 BHP है, 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसमें, और टॉप स्पीड मतलब भगा के तो नहीं देखे लेकिन नियर अबाउट 150 के आसपास जाती है, 150, बिकॉज ये आगे जो वाइजर है इसका तो ये क्रूज़ करने के लिए बेस्ट रहती है इसकी स्पीड, मतलब 110 या 20 पे बेस्ट रहेगी स्पीड, बाकी टॉप स्पीड के लिए सारी बाइक बनी नहीं होती हैं। एंड यस, सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट हाइट जैसा कि हम बता दिए आप लोग को, तो मेरे हिसाब से तो ऊंची है, तो मतलब राइडर लाइक 5.4, थोड़ा 5.8 भी हो गए तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन वही बात है, हैबिट के ऊपर है, सीट हाइट कोई बाइक डिसाइड नहीं करता। और एक बार धीरे धीरे चला लो तो आदत हो जाती है। ये सुजुकी का लोगो, बाइक थोड़ी गंदी हो रही बिकॉज गोडाउन में काफ़ी टाइम से खड़ी थी। ये आगे नकल प्रोटेक्टर्स लगे हैं, वन टच स्टार्ट। ओ भाई साहब, भारी है, भारी नहीं है, मतलब वेट भी अगर हम बता दें आप लोग को, अगर आइडिया चाहिए होगा तो आरएच जितना ही है, 165 kg। चल लो भाई, सिग्नल भी ग्रीन हो गया। और क्लच इसका भाई को बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब एक 250 सीसी बाइक का जितना स्मूथ होना चाहिए ना उससे ज़्यादा स्मूथ है। अरे यार, हॉर्न थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया भाई, आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा, मतलब सुजुकी स्कूटी बनाते बनाते हॉर्न भी स्कूटी का दे दी इसमें। ओ भाई कॉमेडी। तो जोक्स अपार्ट, बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड यस, क्या ड्रिफ्ट मार रही भाई,
और डुअल चैनल एबीएस, यस स्टैंडर्ड है, मतलब 250 सीसी बाइक के लिए तो। और पिकअप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सही भाई सही, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मनूवर करने में। हाँ यार थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। और भाई ऊपर से निकालो ना किसी बाइक के तो लग रहा है दैट हाँ एक हाइट पे बैठे हैं। ये देख रहे हो जैसे ये भी नॉर्मल बाइक है सुपर स्प्लेंडर, तो इसके ऊपर भी एक लग रहा है दैट हाँ एक बाइक पे बैठे हैं हम, समझ रहे हो बड़ी बाइक वाली फील, तो वैसा कुछ सीन है। टाइम राइट नाउ इज 5:17, टाइम तो सही इसमें सेट किया गया है बिकॉज, और ये बेकार शोरूम सॉरी, तो हाँ क्या कह रहे थे, हाँ टाइम तो इसमें सही सेट किया हुआ है। और अब हम लोग के निकलने का भी टाइम हो गया कि, और ये वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं। छोटा सा प्यारा सा वीडियो था राइड रिव्यू का हमारा, कैसा लगा प्रॉपर हमको, मतलब वी स्टॉम जो कि बहुत अच्छा लगा एंड राइडिंग पोस्चर से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं हम, हॉर्न से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं हम। और वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड एट द लास्ट एक स्पेशल थम्स अप टू भरत सुजुकी। अगर आप लोगों को सुजुकी का कोई सा भी प्रोडक्ट चेक करना है तो प्लीज़ एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगी और प्रॉपर नंबर एड्रेस सारी चीज़ें रहेंगी भरत सुजुकी की। और बहुत ही अच्छी सर्विस यहाँ से आप उठा सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, एंड आफ्टर सर्विस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये है भरत सुजुकी, आगे से घुमा के लाते हैं। एंड यस मज़ा आ गया भाई बाइक को चला के, तो एकदम प्यारा फील। सेकंड गियर, फर्स्ट गियर, ऐसे छोटी मोटी ऑफ रोडिंग तो पता ही नहीं चलेगी, मतलब यहाँ से डायरेक्ट भी चढ़ा सकते हैं लेकिन नहीं, हम इस पे से नहीं चढ़ाएंगे, हम इस पे से खड़े होके यस भरत सुजुकी। सो ये वीडियो में बस यही था, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो पता क्या करना है, हिट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। ये भैया आप ले लीजिए ये वाली, ये आप चलाइए, हम पीछे बैठे रहेंगे इसकी रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। भागेगा नहीं, गड़िया इसी की है। हम आपको जान रहे हैं।